चलिए आप हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमको कहाँ पे डू का प्रयोग करना है और कहाँ पे डज का प्रयोग करना है। हमने तो ये समझ ही लिया है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के स्थान पे आई वी यू या दे हमको दिखाई दे तो हमको किसका प्रयोग करना है, डू का प्रयोग करना है। और यदि सब्जेक्ट के स्थान पे पांच चीजों में से कोई भी चीज हमको दिखाई दे तो आपको क्या करना है, दोनों को याद रखेंगे तो जनरली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो हमको सिर्फ इसको याद रखना है, इस वाले हिस्से को हमको क्या करना है, याद करके रखना है। पांच चीजों में से अगर हमको कोई भी चीज दिखाई दे तो हम डज लगाएंगे, और ये पांचों चीजों में से अगर कोई चीज हमको दिखाई ना दे, कोई भी अलग चीज हमको दिखाई दे तो हम वहां पे क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। मतलब हमको रट के रखना है, यदि सब्जेक्ट के स्थान पे ही सी ईट किसी व्यक्ति का नाम या सिंगुलर नंबर आता है, एक वचन आता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। बस सिर्फ ये पांच चीज को आप अपने माइंड में रखिए, याद करके रखिए कि भाई ये पांचों में से कोई हमको दिखाई दे तो हमको डज लगाना है, बाकी इसके अलावा कुछ भी और अलग चीज दिखाई देता है तो हमको किसको लगा देना है, डू को लगा देना है। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने, ये दो सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया है, ये डू वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन आपका डज के लिए है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। ये जो सारे एग्जाम्पल है प्रेजेंट सिंपल में है, क्यों प्रेजेंट सिंपल में लिया गया है, क्योंकि डू या डज का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है, इसीलिए। तो प्रेजेंट सिंपल के ही सारे एग्जांपल हैं। पहला वाक्य है, मैं खाना नहीं खाती हूँ। मैं खाना नहीं खाती हूँ, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में कौन सा है, नहीं लिखा है, मतलब निगेटिव है। तो निगेटिव का आपको रूल तो पता ही है, क्या होता है निगेटिव का रूल, सब्जेक्ट फिर डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, मैं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। अब आपको पता है आई के बाद आपको डू या डज में से क्या लगाओगे, तो आई है, तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। तो इसीलिए हमने आई के बाद क्या लिख दिया, डू। ये निगेटिव है इसीलिए हमने नॉट लिख दिया। क्रिया क्या हो रहा है, खाने का, तो हमने इट लिख दिया। और किस चीज को खा रही है, भोजन को, खाना को, तो उसको हम बोलते हैं फूड। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल बोलता है, क्या वे बाजार जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव है, पूछ रहा है कि क्या वे बाजार जाते हैं। तो अब इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, वे। तो वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे को हम बोलते हैं दे। वे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। अब दे में, दे के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो दे के साथ खोजो जरा, यहाँ पे है दे, और इस दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का। तो इसीलिए हमने डू लिखा, फिर दे लिखा। चूंकि आपको पता है कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, और प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक है, तो प्रश्नात्मक का रूल क्या बोलता है, सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को लिखो। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, इसीलिए हम इसको लिखे डू को। दे के साथ कभी भी डज का प्रयोग नहीं होता है, दे के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। इसीलिए हमने यहाँ डू लिखा, फिर दे लिखा, उसके बाद क्रिया का पहला रूप, तो क्रिया क्या हो रहा है, गो, जाने का। अब जा तो रहा लेकिन कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो बाजार को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। और लास्ट में चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे देखते हैं, थर्ड नंबर का सेंटेंस बोलता है, हम नृत्य नहीं करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है, ये निगेटिव है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज दोनों में से किसी एक का प्रयोग करोगे, फिर नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे इस वाक्य में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, हम। तो हम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। तो हम के लिए हमने क्या लिख दिया, वी। फिर बोलता है डू या डज में से किसी एक का प्रयोग करो, तो वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, डू का। वी किसके साथ लगता है, वी के साथ क्या लगता है, हमेशा डू लगता है, इसीलिए हमने वी के साथ क्या लगा दिया, डू लगा दिया। क्योंकि नहीं लिखा है, निगेटिव है, इससे नॉट लग गया। फिर क्रिया,
क्रिया क्या हो रहा है, नृत्य करना, डांस करना, तो इसीलिए हमने लिख दिया डांस। आप कभी भी डू डांस नहीं लिखोगे, डांस अपने आप में एक क्रिया है, तो आपको डू डांस लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करना लिखा है तो हम डू लिख देते हैं करके, वहां पे डू लिख देते हैं, बट आपको क्या करना है, डायरेक्ट बिना डू के प्रयोग किए नृत्य, जिसको हम इंग्लिश में डांस बोलते हैं, उसको लिख देना है। तो वी डू नॉट डांस, हम नृत्य नहीं करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डज का प्रयोग, हमको ये तो पता चल गया कि सब्जेक्ट के स्थान पे ये पांचों में से कोई भी दिखाई दे हमको तो हमको डज लगाना है करके, अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बरसात नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, तो इसमें जब आप खोजने जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, बरसात होती है, तो अगर कोई चीज प्राकृतिक है जैसे सूर्योदय हो रहा है ना या बरसात हो रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसके लिए सब्जेक्ट के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। कर्ता के स्थान पे किसका उपयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो बरसात है वो क्रिया है, बारिश होना, बरसात होना क्रिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदी में तो वाक्य में आपको कोई भी सब्जेक्ट या कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना है, तो इसीलिए किसी भी प्राकृतिक अगर ऐसा क्रिया हो रहा है तो उस वाक्य में अगर आप कर्ता या सब्जेक्ट दिखाई ना दे तो आप किसका प्रयोग करोगे, इट का प्रयोग करोगे। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे इट लिखा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया, इट। अब हमको देखना है इट के साथ हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, तो देख लो भाई इट के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डज, क्योंकि ये निगेटिव है इसलिए नॉट, और बरसात के लिए क्या लिख दिया, रैन लिख दिया। सेकेंड सेंटेंस होता है चिड़िया क्यों उड़ती है, इंट्रोगेटिव है, चिड़िया क्यों उड़ती है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में इस टाइप का जब सेंटेंस रहता है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप बाहर रखते हो, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब या क्रिया आता है। तो यहां भी देखते हैं चिड़िया, बर्ड, चिड़िया या बर्ड, ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन, एक चिड़िया, एक पेड़, एक लड़का, एक लड़की, मैंने बताया था ना, ये सब क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करोगे आप, डज का। तो इसीलिए चिड़िया लिखा है, तो चिड़िया लिखा है, चिड़िया को हम इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं, और चूंकि ये प्रश्नात्मक है तो आप सहायक क्रिया को उससे पहले लिखते हो बाहर के तरफ, तो बर्ड के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, डज का प्रयोग कर रहे हैं, डू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होता है। अगर बहुत सारी चिड़िया होती, बहुवचन में होता, प्लूरल नंबर होता, तब हम वहां पे डू का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे एक चिड़िया है इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया है। और चूंकि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों उड़ती है, तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है, क्यों के लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड होता है, वाय, तो इस वाय को हमने क्या कर दिया, सबसे शुरू में लिखा, डू या डज में से हमने किसका सिलेक्शन किया, डज का किया, क्यों किया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, बर्ड है, और वो क्या कर रही है, उड़ने का काम कर रही है, तो क्रिया क्या हो रहा है, फ्लाई, क्रिया का पहला रूप लिखना होता है हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो इसलिए हमने क्या लिखा, फ्लाई लिखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या बोलता है, क्या राम रोता है, क्या राम रोता है, ये भी क्या है आपका, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सबसे शुरू में लिख देते हो आप, है ना, तो इसमें देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे कौन है, राम, तो ठीक है भाई हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे क्या लिख दिया, राम लिख दिया। अब राम चूंकि किसी व्यक्ति का नाम है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज, तो इसीलिए हमने उसके सामने में क्या लिख दिया, डज। सामने में क्यों डज लिखा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, प्रश्नात्मक टाइप का वाक्य है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। डज लिखने के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, और वो क्या कर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, तो वो है रोना, और रोना को इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्राई करना।